हाय डियर स्टूडेंट, एग्रीनेक प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बता दें कि जो एग्रीनेक प्लेटफॉर्म जो बनाया गया है उसका मेन मोटो यही है कि एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट में डिफरेंट प्रकार के जो टॉपिक हैं या सब्जेक्ट हैं नहीं समझ में आता है, या इस समय न्यू एजुकेशन पॉलिसी से अकॉर्डिंग क्या पहली बार कई कॉलेजों में ऐसे है जो सेमेस्टर वाइज हुआ है, इसके वजह से स्टूडेंट को बहुत परेशानी हो रही है। तो ये प्लेटफॉर्म उसी के लिए बनाया गया, जिन भी स्टूडेंट को एग्रीकल्चर के किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसके बारे में पूछ सकते हैं। अगर वो कमेंट के रूप में बताने लायक होगा तो कमेंट में उसका आंसर दिया जाएगा, नहीं तो वीडियो के रूप में एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, उसमें आप अपना सोल्यूशन या उसका उसके बारे में आप जान सकते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक्सटेंशन में जो BSc AG के फर्स्ट सेमेस्टर में है रूरल सोशियोलॉजी, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे रूरल सोशियोलॉजी पे हेडिंग पड़ी हुई है रूरल सोशियोलॉजी। सबसे पहले सोशियोलॉजी को हम जान लेते हैं कि सोशियोलॉजी क्या है। दोस्तों, यहाँ पे एक बात और आती है कि जो रूरल सोशियोलॉजी है क्यों ऐड किया गया, BSc AG में क्यों ऐड किया गया, इसका क्या बूम क्या है, इसका क्या रोल है, क्यों ऐड किया गया। सो दोस्तों, आपको बता दें कि रूरल सोशियोलॉजी को इसलिए ऐड किया गया है कि जो एग्रीकल्चर स्टडी करने वाले स्टूडेंट हैं या आगे चल के जब फार्दर रिसर्च करेंगे या कोई और वर्क करेंगे या तो फिर उनको मुर्गी पालन या सुअर पालन या मछली पालन जो भी का अगर करना हो तो जब करेंगे वो तो सब जब गांव में करेंगे तो कम से कम उनको समाज के बारे में जानना है कि समाज को क्या सही लग रहा है, समाज को क्या गलत है, समाज के लिए क्या सही है क्या गलत है, उसके बारे में उनको नॉलेज हो। इसका मेन मोटो यही था कि जो BSc AG यानी एग्रीकल्चर फैकल्टी में रूरल सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को जोड़ा गया है। तो दोस्तों, नहीं तो आप मुर्गी पालन आपको करना है तो मुर्गी पालन कर रहे हैं या आप मछली पालन कर रहे हैं, सुअर पालन कर रहे हैं तो गांव में गए कि गांव में बताने गए कि मुर्गी पालन कर लो, किसी ब्राह्मण के यहाँ चले गए तो मुर्गी पालन तो करेगा नहीं, आपको मार के भगा देगा। ऐसे ही आप सुअर पालन कर रहे हैं, किसी मुस्लिम के यहाँ गए तो वो सुअर पालन करेगा नहीं। तो मेन चीज क्या था कि एग्रीकल्चर फैकल्टी में सोशियोलॉजी जोड़ने का यही मतलब था कि जो ग्रामीण में जो समाज में समाज के लोगों में जो चल रही जो गतिविधियां जो कल्चर्स हैं उसको जानना कि ये करेंगे कि नहीं करेंगे। सो दोस्तों, इसीलिए रूरल सोशियोलॉजी जोड़ा गया, ये एक पॉइंट हो गया आपका। दूसरी बात, रूरल सोशियोलॉजी में सबसे पहले हम सोशियोलॉजी के बारे में जान रूरल सोशियोलॉजी में हम सोशियोलॉजी को सबसे पहले ड्राइव करेंगे। द टर्म सोशियोलॉजी इज द ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सोशियस मीनिंग कंपेनिंग और एसोसिएट एंड द ग्रीक वर्ड लॉगस। सोशियस मीन्स एसोसिएट एंड लॉगस जो ग्रीक वर्ड से है वो स्टडी या साइंस। उसके बाद बात करें आप दोस्तों आपको तो जो सोशियोलॉजी था ये जो आपके अगस्टम कॉम्टे हैं ये सोशियोलॉजी फादर ऑफ सोशियोलॉजी माने जाते हैं। ये फ्रेंच के थे जो फिलोसोफर थे, ये फ्रांस के थे ये फिलोसोफर। इन्होंने ये अपना सोशियोलॉजी में ये डिफिनेशन भी दिया है कि सोशियोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोशियल फेनोमेना सब्जेक्ट टू नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉज एंड डिस्कवरी ऑफ विच इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों आपको बता दें कि सोशियोलॉजी जो सोशियल फेनोमेना या घटना के विज्ञान के रूप में जो नेचुरल एंड अपरिवर्तन लॉज हैं उसके अधीन है, नेचुरल एंड अपरिवर्तन लॉज हैं उसके अधीन है। उसके बाद एक साइंटिस्ट और हैं ES बोगार्डस, इन्होंने कहा कि डिफिनेशन सोशियोलॉजी एज द स्टडी ऑफ सोशियल प्रोसेस। दोस्तों सबसे पहले क्या है, सोशियोलॉजी के जो फादर हैं यहां देखते हैं अगस्टे कॉम्टे हैं, और उसके बाद जो सोशियोलॉजी है लैटिन वर्ड से बनाया गया है, इसमें सोशियस एंड लॉगस एसोसिएट एंड स्टडी ऑफ साइंस। उसके बाद बात करें तो 1839 में जो अगस्टे कॉम्टे हैं, अगस्टे जो कॉम्टे हैं 1839 में इनका एक पॉजिटिव फिलोसोफर था जो इन्होंने दिया था, उसी समय सोशियोलॉजी को फर्स्ट टाइम एडॉप्ट किया गया था, फर्स्ट टाइम जाना गया था। सो दोस्तों वीडियो में इतना ही। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बाद में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों किन्हीं भी सब्जेक्ट से अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये पहली क्लास थी, और इम्प्रूवमेंट किया जाएगा
और लोगों का क्वेश्चंस आएगा तो उस क्वेश्चन का जवाब भी दिया जाएगा। और इस प्लेटफॉर्म पे कोशिश ये है कि पूरे सब्जेक्ट का जो जितने भी सब्जेक्ट एग्रीकल्चर फैकल्टी में है धीरे धीरे उन सब्जेक्ट को इस प्लेटफॉर्म पे कवर किया जाएगा। दोस्तों आप आपके जो फ्रेंड हैं दोस्त हैं उनके पास वीडियो को शेयर करिए जिनको जरूरत है। सो दोस्तों वीडियो में इतना ही। जय हिंद जय भारत।